आपने पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टेजेस पे काम किया है, तो आपको सबसे अच्छा स्टेज क्या, कौन सा लगा? देखिए स्टेज सभी अच्छे हैं, लेकिन मुल्तान क्योंकि हमारा अपना शहर है, तो इसलिए आप ये अपने हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपको थिएटर की फील्ड में कितना अर्सा हो गया? मुझे 4 साल हो गए हैं। मतलब आपने 2019 में अपने करियर का आगाज किया, ठीक है। आप माशाल्लाह थिएटर पर जब स्टेज पर जब रक्स करती हैं, आपका जुनून उस पर नजर आता है। आपने बकायदा इसकी ट्रेनिंग ली थी या आप खुद से ही सीखा, जो कुछ सीखा? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, खुद से ही देख देख के। ठीक है, आपका टिकटॉक पर भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, टिकटॉक से कोई अर्निंग भी आती है या बस फ्री में ही काम चल रहा है? नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। थिएटर पे जो लोग आते हैं, ठीक है, पहले की बनिस्बत आज के दौर में थिएटर में लोग आना कम हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? आपके गानों की वजह से तो उसको बेहतर किस तरह बनाया जाता क्या? ये लोअर वाली साइड ने ना लड़कियों ने माहौल खराब किया हुआ, तो इधर ये चीज नहीं है मुल्तान में, इधर साफ सुथरे है मुल्तान में। फैमिलीज को किस तरह आप थिएटर की तरफ? नहीं, ड्रामा बहुत अच्छा होता है, वो हाथ झुकते नहीं होते, फैमिलीज को आना चाहिए देखने के लिए। आप पूरे पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं, हाँ जी, ठीक है, ये तो नहीं पूछना चाहिए कि आप कितना कमाती हैं, ये बताएं कि पेमेंट के लिहाज से कौन सा शहर सबसे अच्छा है? पेमेंट के लिहाज से सभी अच्छे हैं, अगर देखा जाए तो मुल्तान ठीक है, ठीक है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है, यहाँ खर्चा कम होता है। आपके जो मेकअप मैन है, जो आपको पीछे है, मतलब आप थिएटर में काम कर रही हैं, तो आपकी पूरी टीम काम करती है जी, बिल्कुल। आपकी परफॉर्मेंस में उनका कितना हिस्सा होता है? आपकी ड्रेसिंग जो होती है, बहुत सारे स्टेज एक्टर्स में से आपकी ड्रेसिंग सबसे हटकी है, आप अपनी ड्रेसिंग खुद डिजाइन करती हैं या आप बड़ी बनाई लेती हैं? वापसी का कोई ये खुद ही बनाते हैं, मैं बाबू कलेक्शन पता लगे कि बाबू कलेक्शन की है। ये कहाँ पे बाबू कलेक्शन? लाहौर, लाहौर में है, मतलब वो तो फिर वही हो गया ना, बाबू कलेक्शन पे जाओ, उनको निशा खाना ना जुड़ा दो, बाबू कलेक्शन पे जाओ, बाबू कलेक्शन पे निशा खान ने जो गाने में जुड़ा गाना था वो दे दो, हाँ, वो दे दो। आप फिर उनको क्या कहेगा, आपका कितना कमीशन होगा? मेरा कितना? कोई नहीं, उनको कहना एक मिनट फ्रीज दे दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने टाइम दिया।